फ्रेंड्स, आज हम किचन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक विल्डेड कपड़ा लिया है और इसके दोनों तरफ मैंने ये पट्टी लगा दी है। और ये जो कपड़ा है वो करीब करीब 11.5 इंच है, 11.25 इंच, और इस तरफ है 7.5 इंच, 7.5 इंच। अब हम इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। अब ये जो दो पार्ट है वो इस तरह से कट हो गए हैं। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच में से, और फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा थोड़ी सी आधा सेंटीमीटर जितना छोड़ के हम इस तरह से शेप दे देंगे, राउंड शेप, ऊपर से राउंड शेप आएगा इस तरह से। यहाँ पर हमें सिलाई करनी है दोनों में। ये मैंने इस तरह से राउंड शेप में सिलाई कर दी है, और ये जो बचा है कपड़ा उसको हम कैंची से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कव शेप है तो हमें छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे। ये दोनों में मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं, और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और ये अब हम ये जो हमारी जो कढ़ाई गर्म होती है उसमें हम इस तरह से लगाकर यूज़ कर सकते हैं। अब एक दूसरी जो चीज़ है वो हम किचन के लिए ग्लोव्स बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले मैंने इस शेप का कट कर लिया है। अपना ही हाथ रख के मैंने इस तरह से जगह छोड़ के, साइड में जगह छोड़ के हम इस तरह से कट करेंगे। आप अपने हाथ के हिसाब से कट कर सकते हैं। और ये जो क्विल्टेड कपड़ा लिया है वो भी मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है, और बीच में फोम डाला है। इसके ऊपर हम इसको, ये जो कागज़ में कट के लिया किया है उसको हम रख के इस शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से ये दो सेम पीस हम कट करेंगे। और इसमें मैंने दोनों तरफ एक ही कपड़ा यूज़ किया है, इसके लिए मुझे उल्टा सीधा देखने की ज़रूरत नहीं है। पर आप अपना अगर दूसरा कपड़ा यूज़ करते हैं ऊपर नीचे, तो ध्यान रखिए उल्टा सीधा कट ना हो जाए। अब हम इसके चारों तरफ यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम यहाँ से हम कव शेप है सब में, तो हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ये मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसको पहले अपना हाथ डाल के देख लेंगे कि बराबर हुआ है कि नहीं सिलाई। अगर बड़ा हो रहा है तो ऊपर आप यहाँ पर आप फिर से थोड़ी सी अंदर सिलाई करके छोटा कर सकते हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये जो सीधा हो गया है, अब हम इसको नीचे जो हमारी एजिस है वो रफ एजिस है, तो उसको हम इस पट्टी से कवर करेंगे। ये मैंने पट्टी लगा दी है और ये ग्लोव्स तैयार हो गया है। किचन में बहुत काम आ सकता है गर्म चीज़ें पकड़ने के लिए, ओवन में बाउल रखने, काट निकालने में ये काम आता है।